हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अडर ट्वेंटी फोर सेवन मैं हूं सुनिधि सिन्हा और आप सभी का अडर ट्वेंटी फोर सेवन जुडिशरी में स्वागत है कैसे हैं आप लोग अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हाँ जी लेट्स वेट एक दो मिनट सो दैट स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन गुड इवनिंग दीप्ति हाउ आर यू चले स्टार्ट करते हैं फिर सेशन बच्चे ज्वाइन कर लेंगे है ना आज हम लोग आ, मुस्लिम लॉ लो स्टार्ट करने वाले हैं हिंदू लॉ हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है हमारे जो मेन चार एक्ट थे वो सब खत्म हो गए हैं गुड इवनिंग YouTube बॉयज YouTube बॉयज आपका रियल नेम क्या है आई एम ऑल्सो फाइन दीप्ति थैंक यू फॉर आस्किंग तो मैं बता रही थी कि हम लोगों ने हिंदू लॉ का जो भी चार एक्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट थे सब कुछ पूरा ख़त्म कर दिया है जिन्होंने मेरे हिंदू लॉ की क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ चैनल पे जा करके ज़रूर देखें ठीक है Uh, हर स्टेट में अगर कहीं प्रीलिम्स में नहीं आ रहा है हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ लेकिन मेंस में ज़रूर आएगा तो ऐसा नहीं है कि uh, वो आपका वेस्ट जाएगा ठीक है और uh, आज से हम लोग मुस्लिम लॉ लो स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली आज हम लोग इंट्रोडक्शन मुस्लिम लॉ क्या है ये सब थोड़ा बहुत जानेंगे शिया सुन्नी में डिफरेंस वगैरह जानेंगे फिर धीरे 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 विल मूव फॉरवर्ड निशु ओके हेलो निशु गुड इवनिंग ऐसे सही रहता है ना अब मैं मान लो आपको बुला रही हूँ यूट्यूब बॉयज़ के ना उससे तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है चलिए देखिए मुस्लिम कौन होता है कौन होता है मुस्लिम तो वो पर्सन जो इस्लाम में बिलीव करता है, है ना क्योंकि इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से उनका क्या कहना है कि यहाँ उनके यहाँ एक ही गॉड है और वो कौन है वो है अल्लाह हेलो अभिषेक ठीक है जैसे देखिए हर रिलीजन में ये मानना है कि गॉड एक ही है जो भगवान है या अल्लाह कह लो उन्हें वो एक है बट हमने नाम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं है ना नाम डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं हम कोई बोलता है हम इन्हें मानते हैं कोई बोलता है हम किसी और भगवान को मानते हैं वैसे ही जब हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ में मुस्लिमों मुस्लिम्स की तो वहाँ पे उनका ये कहना है कि एक ही भगवान है और वो कौन है अल्लाह है ठीक है अब इस्लाम सिग्निफाई क्या करता है इस्लाम सिग्निफाई सिग्निफाई करता है विशाखा गुड गुड इवनिंग विशाखा इस्लाम सिग्निफाई सिग्निफाई करता है समीशन समीशन किसको विल ऑफ गॉड को ठीक है यानी कि इनका ये कहना है कि जो भगवान अल्लाह हमारे कह रहे हैं हमें वही करना है अब जब हम बात करते हैं अपने हिंदू लॉ की अगर हम रिलेट करें तो मैंने वहां पे बताया था कि हम लोग जब हिंदू लॉ नहीं आया था उससे पहले क्या प्रिवेल करता था धर्मा धर्मा प्रिवेल करता था यानी कि द राइटियस एक्ट ठीक है तो वो राइटियस एक्ट क्या है धर्मा क्या है वो हमें कौन बता देता भगवान जो मतलब भगवान जो बोलते थे जो चला आ रहा था धर्म अधर्म जिसके पीछे लड़ाई हुई थी हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करी थी राइट ये पर्सनल लॉस तो बाद में आया तो उससे पहले तो धर्मा चल रहा था गुड इवनिंग गुरजंत ठीक है वैसे ही इन इस्लाम में इनका यही मानना था जो जो इस्लाम सिग्निफिक सिग्निफाई करता है वो यही करता है कि जो इनका अल्लाह बोल रहा है वही राइट पाथ है और उसी पे इनको फॉलो करना है और उसमें क्या क्या चीजें थी पीस था प्योरिटी थी सेलिवेशन था ओबीडियंस था देखिए हम चाहे हिंदू में धर्म की बात करें या हम यहाँ इस्लाम में समीशन विल ऑफ गॉड की बात करें जय हिंद सोनम कैसे हो आप उसकी बात करें देखिए अल्टीमेटली सबका मोटिव क्या होता है सेल्वेशन को पाना परमात्मा को पाना मुक्ति पाना एट द एंड हमें पता होता है कि हमें एट द एंड सेल्वेशन चाहिए हमें एट द एंड परमात्मा के पास जाना है तो उसको पाने के लिए जो भी सही चीज होगी वो हम लोग करेंगे बराबर है तो हम हिंदू जैसे हमने हिंदू लॉ पढ़ा था वहां पे धर्म की बात की थी वैसे एक, आ, इस्लाम में सिग्निफिका सिग्निफाई करता है कि जो अल्लाह बोलेंगे हमें उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है नोटिफिकेशन नहीं आया क्यों नोटिफिकेशन नहीं आया मैं एक बार पूछती हूँ क्यों नहीं आया नोटिफिकेशन चलो आगे चलते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि मुस्लिम होता कौन है ठीक है हम लोगों ने जब हिंदू लॉ भी पढ़ा था तो हम लोगों ने आ, बात किया था कि हिंदू बाय बर्थ हो सकता है हिंदू बाय कन्वर्जन होता है टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन का डिस्कशन किया था वहां पे बात किया था हिंदू कौन कौन होता है कौन नहीं होता है बराबर है वैसे ही जब हम मुस्लिम की बात करते हैं तो जो पहली बात तो मुस्लिम जो बाय बर्थ हो जो मतलब पैदा मुस्लिम फैमिली में हो ठीक है आई एम फाइन हाउ यू मैम आई एम ऑल्सो गुड सोनम थैंक यू फॉर आस्किंग और वो इंसान जो बिलीव करता हो किसमें प्रॉफिट मोहम्मद सॉरी वो इंसान जो बिलीव करता हो प्रॉफिट मोहम्मद में ठीक है और बाय वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं मुस्लिम बोलते हैं ठीक है और दूसरा बाय कन्वर्जन जो इस्लामिक रिलीजन को प्रोफेस करता है मतलब उसने अपना रिलीजन को कन्वर्ट किया हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ या किसी भी रिलीजन को छोड़ करके वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ ठीक है और उसने क्या किया स्टार्ट किया प्रोफेस करना किसको मुस्लिम रिलीजन को यार मेरी राइटिंग सॉरी हाँ आपको बेयर करना पड़ेगा मतलब मुझे खुद भी लगता है यार कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है बोर्ड पे एनीवेज बैक टू क्लास तो जो लोग प्रोफेस करते हैं मुस्लिम रिलीजन को कन कन्वर्ट कन, होकर के उन्हें भी हम मुस्लिम बोलते हैं बराबर है ये चीज़ आगे चलते हैं आप देखिए बात करते हैं सोर्सेज की सोर्सेज हम लोगों ने हिंदू लॉ में भी पढ़ा था ठीक है तो तीन सोर्सेज हैं एंशन मॉडर्न और कस्टमरी सोर्सेस ठीक है एंशन में सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या है कुरान कुरान में क्या बताया गया है वर्ड्स ऑफ गॉड कि जो भगवान उनके अल्लाह ने कहा था वही कुरान में पूरा जो है अच्छी है जो uh, जो बैक टू क्लास कुरान में मतलब जो वर्ड ऑफ गॉड है जो अल्लाह ने जो चीजें बोली थी वही एग्जैक्टली सेम चीजें उन्होंने कुरान में मेंशन की हैं आप इसको हम रिलेट करेंगे किसके साथ सुनना के साथ सुनना से समझ में आ रहा है जो चीज हम लोगों ने सुनी हुई है ठीक है जो चीज हम लोगों ने सुनी हुई है उसे हम सुनना बोलते हैं ठीक है थीके? वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद मतलब जो चीज़ देखो जो लोग बिलीव करते थे प्रॉफिट मोहम्मद में वही मानते हैं कि वो लोग मुस्लिम है ठीक है वो प्रोफेस करते हैं उस रिलीजन को कन्वर्ट होने के बाद वो बिलीव करते हैं कि इसमें प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव करते हैं अब उनका ये मानना है कि जो चीज़ प्रॉफिट मोहम्मद ने कही है या उनके एक्शन से या उन्होंने सुनी है वही सारी चीज़ों को ये लोग बिलीव करते हैं वो एक क्या बन जाता है इनका सोर्स बन जाता है ठीक है सोर्स बन जाता है अब जब हम बात करते हैं क्यास की तो कियास का मतलब होता है लीगल डिडक्शन बेसिकली हम जैसे एग्जाम्पल्स देते मान लीजिए हम और आप कोई डिबेट कर रहे हैं अब जब हम डिबेट कर रहे हैं तो हम कोई ना कोई प्रिजम्पन या एजम्पन लगाते हैं ठीक है उसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग देते हैं कोई लीगल रीजनिंग देते हैं हम कहते नहीं है कि क्यास लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है तो बेसिकली क्याज का भी मतलब यही होता है जब कोई लॉजिकल या लीगल रीजनिंग दी जाए ठीक है किसी भी सिचुएशन किसी भी चीज़ को लेकर के और उस पर प्रिजम्पन और अजम्पशंस बनाए जाएँ वो भी क्या बन जाता है एक एंशंट सोर्स बन जाता है एनशेंट सोर्स बन जाता है मुस्लिम लॉ लौक, लॉ का और उसे हम क्या बोलते हैं कियास बोलते हैं अब जब बात करते हैं इजमा की तो देखिए हमारे हिंदू लॉ में भी काफ़ी जुरिस्ट हैं ठीक है सबके सब अपने आइडियोलॉजीज हैं ठीक है सबके अपने ओपिनियंस हैं उन्होंने अपने वर्ड्स में ड्रॉ मतलब अपने ओपिनियंस को लिखा है और हम लोग उस चीज को देखते हैं पढ़ते हैं सेम वैसे ही इजमा में जो मुस्लिम जुरिस्ट होते हैं जो मुस्लिम जुरिस्ट होते हैं वो अपना जो ओपिनियन फॉर्म करते हैं और उसको जो नोट डाउन करते हैं लिखते हैं और हम लोग उसको फॉलो करते हैं वो भी क्या बन जाता है एक सोर्स बन जाता है ठीक है सो बेसिकली इजमा का मतलब होता है ओपिनियन ऑफ मुस्लिम जुरिस्ट ठीक है अब ये तो था एंशंट सोर्स अब बात करते हैं मॉडर्न सोर्स की मॉडर्न सोर्स में सबसे पहला आता है इस्ती हसन तो इस्ती हसन का मतलब होता है जुरिस्टिक प्रेफरेंस हम लोगों ने जब हिंदू लॉ पढ़ा था तो हमने वहाँ पे भी मॉडर्न सोर्सेस में प्रे, uh, जुरिस्टिक प्रेफरेंसेस की बात की थी जिसको uh, जिसमें यही मतलब होता है जो जुरिस्टिक प्रेफरेंस एज एन जो जुरस्त लोगों ने खुद से एनालाइज करके अपना जो भी चीज़ें देखी हैं उसको भी हम लोग एज आ, आ मॉडर्न सोर्स में काउंट करते हैं एज एन सेम सेम ये ऐसा ही है जैसे ओपिनियन ऑफ मुस्लिम जुरुस था ठीक है तो जो चीज़ें उन्होंने एनालाइज़ की जो चीज़ उन्होंने प्रिज्यूम की और उसके बाद उसको नोट किया तो वो क्या बन गया एक तरीके से एजती हसन बन गया और एक तरीके से मॉडर्न सोर्स बन गया अब जब हम बात करते हैं इसती सलाह की तो पब्लिक इंटरेस्ट आप मान लीजिए कोई चीज बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और उसमें क्या है पब्लिक का इंटरेस्ट है ठीक है और वो पब्लिक इंटरेस्ट के बेहतरी के लिए बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं है। अब जब हम बात करते हैं इजतेदार की तो इजतेदार और कियास इजतेदार और कियास बेसिकली सेम चीज है बस जब टाइम चेंज हुआ एंशंट से जब हम मॉडर्न टाइम में आए तो वहां पे वर्ड्स डिफरेंट हो गए बट बेसिकली इज्तार और कियास दोनों एक ही चीज है बराबर है इसमें कोई कंफ्यूजन है अब तकलित. तकलित क्या होता है लॉ ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो केसेस जिनके जजमेंट ऑलरेडी दे रखे हैं और उसको देख करके आगे की भी जो जजमेंट पास होते हैं जो भी सिचुएशन सेम होती है जैसे हम लोगों ने प्रेसिडेंट हिंदू लॉ में भी पढ़ा था बराबर है तो सेम वही लॉ ऑफ प्रेसिडेंट जो चीजें पहले जजमेंट हो, हो चुके हैं उनको देख करके आगे के भी जो डिस डिसीजन लिए जाते हैं वो भी क्या बन जाते हैं एक तरीके से मॉडर्न सोर्स ऑफ लॉ बन जाते हैं अब फतवा डिसीजन ऑफ मुस्लिम जजेस सो बेसिकली देखिए उन जैसे हमारे सेक्ट में कुछ लोग होते हैं कास्टिज्म पे जो बात करते हैं ये कुछ कुछ आ, होते हैं दिफरें ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट के उनके खुद के जज पंचायत में जो पंचायत के हेड होते हैं सरपंच जिसे बोलते हैं वैसे इनके कम्युनिटी में भी मुस्लिम जजेस होते हैं जो डिसीजन लेते हैं कुछ सर्टेन चीजों पे ठीक है और और उसके और उसके बाद बाद वो सारी चीजें क्या बन जाती है? करीके से जाती हैं हैं एक तरीके से मॉडर्न सोर्स हो ठीक है थीके? जो आ, कह रहे हैं कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं उसके बाद डिसीजन डिसीजंस हो जाते हैं वो मुस्लिम जज के हालांकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है चाहे तो आप इस पर आगे चल करके अः इसको, इसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन कर सकते हैं बट वो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है बट जो डिसीजन है मुस्लिम जजेस का उसको हम लोग क्या कहते हैं फतवा बोलते हैं और वो क्या बन जाता है हमारा एक मॉडर्न सोर्स बन जाता है किसका मुस्लिम लॉ का अब देखिए कस्टमरी में सेम जब हम लोगों ने हिंदू लॉ पढ़ा था तो कंटिन्यूस सर्टेन यूनिफॉर्म रीजनेबल एंड देखिए कस्टम का मतलब बेसिकली यही होता है जो लंबे समय से चला आ रहा है और उसको आगे प्रिवेल करना जैसे कि हमारे में सपिंडा रिलेशनशिप हो गया या प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप तो हो गया उसमें मैरिज अलाउ नहीं है वो क्या है वो एक तरीके से हमारा कस्टम ही तो है कि हम लोग सपिंडा रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते या प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते वैसे ही जब हम इनके मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे हिजाब हो गया अब हिजाब पहनना ठीक है बेसिकली इनका कस्टम ही तो है जो लंबे समय से चलता आ रहा है और आगे भी सब लोग जो है उसको फॉलो करते हैं सेम वही कस्टमरी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए यानी कि ऐसा नहीं कि ब्रेक में फॉलो कर रहे हैं एक सिरे से होना चाहिए सर्टेन होना चाहिए उसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए ठीक है यूनिफॉर्म होना चाहिए मुस्लिम में हर कोई इस चीज़ को फॉलो कर रहा हो है ना ऐसा नहीं कि सर्टेन लोग फॉलो कर रहे हैं और सर्टेन लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं फिर रीजनेबल होना चाहिए अन नहीं होना चाहिए कस्टम ठीक है एंशिएंट यानी कि पुराना होना चाहिए सो so बेसिकली जब भी, भी हम कस्टम कस्टम की बात करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको हमने हिंदू लॉ में भी देखा था हम मुस्लिम लॉ में भी देख रहे हैं ठीक है तो ये थे तीन सोर्स एंशिएंट मॉडर्न और कस्टमरी अब आगे चलते हैं देखिए दो मुस्लिम जो है दो कम्युनिटी में डिवाइडेड हैं एक है सुन्नी और एक है शिया अब बेसिक डिफरेंस जानेंगे दोनों के बीच में देखिए पहले हम सेकंड पॉइंट को देखते हैं क्या बोलता है सुन्नी के सुन्नी में जो लोग प्रॉफिट मोहम्मद के क्लोजेस्ट कंपेनियन को फॉलो करते थे क्लोजेस्ट कंपेनियन कौन थे अबू बकर थे ठीक है उन्हें क्या बोला जाता था सुन्नी बोला जाता था और जो फॉलोअर्स थे प्रॉफिट के जैसे कि सुन्ना हो गया सुनना हम लोगों ने अभी डिस्कस किया वर्ड एन एक्शन ऑफ गॉड ठीक है सुनना मतलब जो चीज हम लोगों ने सुनी हो तो जो सुनना होते थे जो सुनना होते थे जो सुनना में बिलीव करते थे जो ऑफ प्रॉफिट में बिलीव करते थे वही क्या होते थे सुन्नी होते थे ठीक है अब सुन्नी किस पे फोकस करते थे वो प्रॉफिट प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट पे बिलीव करते थे और उन्हीं पे फोकस करते थे उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते थे बराबर है ये चीज अब देखिए जब हम बात करते हैं शिया की तो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि शिया प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव नहीं करते थे नहीं ऐसा नहीं है बट वो उनके लिनिएज यानी कि कह सकते हैं डिसेंडेंट्स को उनको फॉलो करते थे ठीक है गुड इवनिंग तारा उनको फॉलो करते थे ठीक है ये किसको जो शिया थे वो बेसिकली प्रॉफिट के कजन और उनके जो सन इन लॉ थे अली जिसको हम शियातु अली भी कहते हैं उन पे वो लोग उसको वो लोग फॉलो फौ, करते थे और थ्रू अ सीरीज ऑफ इमाम सीरीज ऑफ इमाम का मतलब ये हो गया मॉर्निंग क्लास में नहीं आए हाँ मिस कर दे कोई दिक्कत नहीं है मेरी क्लास वो चैनल पे है जिसने भी मिस करी है वो प्लीज जा करके एक बार देखिएगा ठीक है टॉपिक अच्छा था तो एक बार देखिएगा तो मैं हाँ कहाँ थे शिया मुस्लिम पे बेसिकली तो ऐसा नहीं है कि शिया प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव नहीं करते थे वो डेफिनेटली प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव करते थे बट वो लीनियल जो असेंडेंट्स है प्रॉफिट मोहम्मद के वो उनको मानते थे कि वो जा, उन, वो उनको फॉलो करते थे उनके सन इन लॉ को फॉलो करते थे उनके कजन को फॉलो करते थे बेसिकली वो जो इमाम की सीरीज है वो उसमें बिलीव करते थे और उनको फॉलो करते थे बराबर है अब हम जब मीनिंग देखेंगे तो देखिए सुन्नी कहाँ से डिराइव्ड हुआ है सुन्नी हुआ है अल सुन्ना से सुन्नी डिराइव हुआ है अल सुन्ना फ्रेज से जिसका मतलब क्या है पीपल ऑफ द ट्रेडिशन और ट्रेडिशन यहां पे रेफर किसको किया है प्रैक्टिस बेस्ड ऑन वॉट प्रॉफिट मोहम्मद सेड डेड अग्रीड एंड कंटेम्प ये उस चीज पे बिलीव करते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था उन्होंने किया जिस चीज पे वो एग्री हुए और जिस चीज पे वो कंडेम्ड हुए बराबर है अब जब हम बात करते हैं शिया मुस्लिम की तो जो शिया है वो कहाँ से आए शियात अली मूवमेंट शियात अली मूवमेंट से जिसका मीनिंग है पार्टी ऑफ अली और शियात शिया मुस्लिम में बिलीव करते है मोहम्मद के कजन और सन इन लॉ में बिलीव करते हैं है और वो बोलते हैं अली वॉज द राइटफुल सक्सेसर टू द मोहम्मद एज लीडर ऑफ इस्लाम बेसिकली दोनों ही प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव करते हैं ठीक है ये कंफ्यूजन मत रखिएगा दोनों ही प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव करते हैं बट द पॉइंट इज कि ये जो है शिया मुस्लिम वो उनके डिसेंडेंट्स uh, में बिलीव करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट में बिलीव करते हैं और वो बोलते हैं कि वही एक सही लीडर हैं किसके इस्लाम के ठीक है अब आगे चलते हैं स्कूल्स देखते हैं देखिए सुन्नी इस्लाम में जो सेपरेट स्कूल्स से हैं वो सेपरेट हुए हैं फोर मेन स्कूल्स में वो क्या है हनाफी मलिकी शाफी और हनबली लेकिन वही हम जब बात करते हैं शिया मुस्लिम की तो ये तीन सेक्ट में सेपरेटेड हैं ठीक है नेमली ट्वेल्वर्स इस्माइल्स एंड जायदीस सो तो बेसिकली देखिए इस पे क्वेश्चन भी अगर कभी आता है ठीक है अगर प्री में क्वेश्चन भी आता है तो बेसिकली इसी पे ही आता है कि कौन से अ, मतलब किस स्कूल के अंदर कौन सा मतलब किस के सेक्ट के अंदर सुन्नी के अंदर कौन सा स्कूल आता था शिया के अंदर कौन सा स्कूल आता था आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ठीक uh, है और मेनली यही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पूछता है अब जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की पॉपुलेशन जो सुन्नी है वो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बनाता है सुन्नी अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन बनाता है लेकिन वही हम जब बात करते हैं शिया मुस्लिम की तो ये ग्लोबली सिर्फ पंद्रह से बीस परसेंट ही है पंद्रह से बीस परसेंट ही ये पॉपुलेशन बनाते हैं ग्लोबली तो बट जब हम बात करते हैं सुन्नी की तो ये मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बनाता है अक्रॉस द ग्लोब और अक्रॉस द वर्ल्ड यू कैन से नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट मैरिज ठीक है ये तीन पॉइंट को ध्यान रखिएगा बिकॉज वेन विल डिस्कस रिगार्डिंग द मैरिज ठीक है वहां पे भी ये तीनों चीजें फिर से आएंगी जहां पे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे एनी तो यहाँ देखिए अब मैरिज में जब सुनने की बात आती है तो विटनेस रिक्वायर्ड होता है एक मेल होना चाहिए एक फीमेल होना चाहिए इधर दोनों मेल होने चाहिए इस चीज़ पे हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे बाद में जब हम बात करते हैं शिया मुस्लिम की तो विटनेस रिक्वायर्ड नहीं होता है मैम शिया में अतनाचार्य स्कूल नहीं आता नहीं नहीं आता है तारा शिया में सिर्फ तीन सेक्ट ही आते हैं ट्वेल्वर्स स्माइल्स और जायदीस फिर जब हम बात करते हैं डाइवोर्स की तो वहां पे विटनेस रिक्वायर्ड नहीं होता है और शिया मुस्लिम में विटनेस रिक्वायर्ड होता है सेम वही डाइवोर्स का मोड कैसा होना चाहिए यहाँ रिटर्न होना चाहिए और यहाँ पे मस्ट भी ओरल होना चाहिए यानी कि ओरल मैंडेटरी है है ठीक तो डिफरेंस थे श, आ, सुन्नी और शिया में ठीक है बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं आगे इसमें देखिए मैंने बेसिक जो मेन पॉइंट चीज थी वो सारी कवर करी इंट्रो में मोस्टली ऐसे इसी पे क्वेश्चंस बनते हैं प्री में और बाकी जो भी डिटेल वाला है वो फाउंडेशन बैच में कवर हो रहा है कराया जाएगा अब हम लोग इसमें आगे मैरिज के बारे में देखेंगे ठीक है मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ठीक है बस ये कि बेसिक आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ चाहिए शिया सुन्नी मुस्लिम कौन होते हैं कौन किस में बिलीव करता है ताकि आगे चीजें आसान हो ठीक है अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है एक्चुअली पता है क्या है मैं सोचती हूँ ना मुस्लिम लॉ को थोड़ा थोड़ा करके लेकर के चले तो ज़्यादा सही होगा क्योंकि देखो हिंदू लॉ में बहुत ज़्यादा भारी भारी वर्ड्स नहीं थे तो उसको ग्रैप करने में जल्दी समझने में बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाता था लेकिन जब हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ की तो कुछ वर्ड्स जैसे आ जाते हैं जो कि थोड़े से हैवी होते हैं मतलब इनमें थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं तो अगर आराम से थोड़ा 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 ले चलेंगे तो अगर एक दो क्लास ज़्यादा भी हो जाती है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है बाकी आप लोग बताइए जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही होगा चलिए फिर इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और कल हम लोग मैरिज शुरू करेंगे मैरिज का देखेंगे ठीक है टाइप्स ऑफ मैरिज कैसे होती है क्या है क्या नहीं है बाकी सब हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे और इस सेशन को यहीं एंड करते हैं अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को ठीक है सोनम बोल रही है फाइन चलो ठीक है बढ़िया बारिश हो रही है बारिश के मज़े लो आज तुम लोग आज सही है मैम चलो ठीक है ठीक है ओके ओके आहान आई एल सी यू नाउ बढ़िया बारिश हो रहा है आज सारे स्टूडेंट्स मजे लो ज्यादा लंबा क्लास भी नहीं करते हैं चलो ठीक है सेशन एंड करते हैं कल सुबह मिलेंगे मॉर्निंग टेन फिफ्टीन आईपीसी के साथ जिन्होंने आज सुबह वाली क्लास नहीं ली है प्लीज जाकर के क्लास लो ठीक है और क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछूंगी कल कल मैं क्लास शुरू करने से पहले क्वेश्चंस पूछूंगी इसलिए आप लोग जाइए वो क्लास को देखिए ठीक है कल हम लोग आईपीसी में आगे पढ़ेंगे शाम में हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे ठीक है चलिए बाय बाय